बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज बीएससी इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू आर्टिकल टुडे। इट इज ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स एंड दिस इज द थर्ड आर्टिकल ऑफ द टेक्स्ट एंड इट इज रिटन बाय गैलेट बर्जिस। दिस इज द फर्स्ट lecture and it is obviously the introduction of the article along with its the author। आर्टिकल शुरू करने से पहले इसके ऑथर फ्रैंक गैलेट बर्जिस के बारे में जानते हैं। ये 1866 में पैदा हुए और 1951 में इनकी डेथ हुई है। ये एक ह्यूमरिस्ट हैं, ऑथर हैं, पोएट हैं, नकाद हैं और आर्टिस्ट हैं। इनके जो बेहतरीन काम है वो ये नॉनसेंस वर्स के हवाले से बहुत जाने जाते हैं। जैसे इनकी एक मशहूर पोइम जो है वो है द पर्पल को। ये नॉनसेंस वर्स जो है ये बच्चों के लिए लिखी जाती है, जिसमें कोई मैसेज नहीं होता, सीरियस मैसेज नहीं होता, और ये फॉर द सेक ऑफ फन बनाई जाती है ये पोएट्री। जैसे आम ये बाबा ब्लैक शीप है यानी गिफ्ट, इस तरह से ये जो राइम है जो कि सिर्फ बच्चों को उनकी अम्यूजमेंट के लिए जो है वो कंपोज की जाती है, तो इसमें इनका बड़ा नाम है। और गूप्स बुक्स होती हैं, गूप्स बुक्स भी बच्चों के लिए लिखी जाती हैं, जिसमें इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं और बड़ी फनी सिचुएशंस होती हैं। राइट, ये बुक्स जो हैं वो इन्होंने लिखी और फिर उन्होंने ये टर्म जो है ब्लर, ये भी इन्हीं की इजाद है और इसका तल्लक भी इसी तरह से मुख्तलिफ फनी जो चीज़ें हैं उनसे है। किसी चीज़ को ब्लर कहते हैं, किसी चीज़ को मुख्तसर बयान करने को। बर्जिस ने एक बुक लिखी, और भी उनके काम है, लेकिन एक बुक जो है जिसका नाम है आर यू बुमाइड, ये जो बुक है इस बुक से हमारा आज का आर्टिकल ब्रोमाइड एंड सल्फाइड्स ये हमारा आर्टिकल है और इस बुक से लिखा गया है। ये असल में एक डिस्कशन है बड़ी ह्यूमरस सी, जिसमें इंसान को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक को उसने ब्रोमाइड कहा है और दूसरे ग्रुप को उसने सल्फाइड्स कहा है। फ्रैंक गैलेट बर्जिस जो है वो इंसान को दो ग्रुप्स में तकसीम करता है, जैसे अभी हमने बात की है। एक को उसने नाम दिया है ब्रोमाइड्स। ब्रोमाइड्स क्या होते हैं आगे हम बात करेंगे। और दूसरा ग्रुप जो है उसका नाम उसने दिया है उसे सल्फाइड्स। ये कि एक्चुअल वर्ड्स नहीं हैं कि ब्रोमाइड या सल्फाइड्स नाम की कोई चीज़ें इस तरह से जो है इस दुनिया के अंदर पाई जाती हैं या इस तरह के ग्रुप के लोग पाए जाते हैं। ये ह्यूमरसली उसने जो है ये डिवीजन की है। जैसे किसी पेंटर से पूछेंगे तो वो इस कायनात और इस दुनिया को एक तस्वीर से या पेंटिंग से तस्वीर देगा, ठीक है। किसी म्यूजिशियन से पूछेंगे तो वो इसको किसी सिम्फनी या लय से, सुर से जो है वो कंपेयर करेगा। किसी एक्टर से पूछेंगे, जैसे शेक्सपियर जो है वो इस दुनिया को एक स्टेज कहता है, ठीक है ना, ऑल द वर्ल्ड स्टेज। तो उसका ख्याल है कि ये एक स्टेज है जिसके ऊपर लोग अपना अपना रोल प्ले करके तो जा रहे हैं। ये चूंकि इंटेलेक्चुअल आदमी है तो इसने जहन के लिहाज से इंसानों को दो हिस्सों में, दो क्लासेस में तकसीम किया है। लेकिन ये सारी इमेजिनरी उसकी अपनी क्लासिफिकेशन और डिवीजन है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जो उसने खुद कॉइन किए हैं और ये उसने अपने ही इनको मीनिंग दिए। अच्छा, इन दोनों में ब्रोमाइड्स और सल्फाइड्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो एटीट्यूड का डिफरेंस है। ये जो ब्रोमाइड हैं या सल्फाइड्स हैं, कोई बंदा उसके जनरल थॉट्स क्या हैं लाइफ के मतलब, वो किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करता है, राइट, उसको देख के हम ये आइडिया लगाते हैं कि ये ब्रोमाइड है या सल्फाइड है। और ये जो ब्रोमाइड्स हैं इनको थोड़ा और अगर हम इन दोनों क्लासेस को एक्सप्लेन करें तो ब्रोमाइड जो हैं वो ऑर्डिनरी आइडियाज़ के लोग होते हैं, और चूंकि ऑर्डिनरी आइडियाज़ के लोग हैं, कॉमन प्लेस से लोग हैं, तो ये इनका जो है ना वो बहुत बड़ा ग्रुप है, यानी कि ये बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं लोग इस दुनिया के अंदर, जबकि सल्फाइड्स जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं अपने आइडियाज के अंदर, तो इनका जो ग्रुप है वो बहुत छोटा सा ग्रुप है, ये कम तादाद में हमें मिलते हैं। गैलेट बर्जिस ने अपने इस पॉइंट को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए उसने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हैं हिस्ट्री से, आर्ट से, पॉलिटिक्स से और लिटरेचर से। आइए अब इस ऐसे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो वर्ड ब्रोमाइड उसने कॉइन किया है वो असल में एक केमिकल कंपाउंड है ब्रोमाइन का, ठीक है, जो कि नर्व्स को सुकून देने के लिए इस्तेमाल होता है। इस लिहाज से इसकी मतलब इस नाम के लिहाज से इसकी कुछ एक ओरिजिन है, राइट। तो वहां से उसने जो कंपाउंड है ब्रोमाइन का उससे ये वर्ड लेके तो ब्रोमाइड बना दिया है, जिससे कि नर्व्स को बड़ा सुकून और आराम मिलता है। एक तो ये बात है इसकी पहली। सेकेंडली ये जो इस ऐसे के अंदर यूज हुआ है ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड जो है वो ऐसे बंदे को कहते हैं जिसके के कन्वेंशनल थॉट्स होते हैं, जो कि रवायती और आम ख्यालात का मालिक होता है, जिसमें कोई नई चीज नहीं होती। और ये आदमी जो है ये पहले जो इस्तेमाल हुए हुए रास्ते होते हैं जिंदगी के, उसी के ऊपर चलता है, ये कोई नई राह नहीं निकालता। ये ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं उनका फॉलोअर होता है, उनसे जरा भी हटता नहीं है। जैसे लोग चल रहे हैं वैसे ही ये भी चलता रहता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे भेड़ चाल जिसे हम आमतौर से कहते हैं। दूसरी जो बात है, ये जितने भी ब्रोमाइड्स हैं ये सारे ही एक ही तरह से सोचते हैं और एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, और ये चूंकि बड़े रवायती और कन्वेंशनल होते हैं इसलिए ये तब्दीली को पसंद नहीं करते, ये ऑर्थोडॉक्स असल में होते हैं। और लिटरेचर जो है इसके अंदर जो हमारा राइटर है उसने मैरी कोरेली की और डॉक्टर जॉनसन की एग्जाम्पल दी है कि ये दोनों ही ब्रोमैडिक थे। और पॉलिटिक्स में वो कहता है कि अमेरिका का जो 1930s में प्रेसिडेंट था जिसका नाम रूजवेल्ट है, तो वो भी एक ब्रोमाइड था। और लिटरेचर की तरफ अगर हम आए तो वो शेक्सपियर का एक प्ले है हेमलेट, उस शेक्सपियर के प्ले के अंदर जो पोलोनियस को वो कहता है कि वो ब्रोमाइड था, ठीक है। इसी तरह से वैनिटी फेयर जो है उसमें एमिलिया सेडली जो है वो ब्रोमाइड है। सल्फाइड्स की क्वालिटीज की बात करते हुए राइटर जो है वो पहले डिफाइन करता है कि सल्फाइड जो वर्ड है ये सल्फर का केमिकल कंपाउंड है, वहां से ये लिया गया है नाम, सिर्फ नाम की हद तक वहां से लिया गया है। लेकिन चूंकि थोड़ा सा अगर हम इस पर गौर करें तो सल्फर चूंकि उसके अंदर आग होती है, एक्टिविटी है, ठीक है, तो ये लोग भी जो है बड़े एक्टिव होते हैं, इस लिहाज से इसको आपको रिलेट कर सकते हैं। तो सल्फाइड्स जो है ये हमेशा अपने आइडियाज के अंदर बहुत जदीद और जिद्दत होती है, न्यू आइडियाज इनके होते हैं और इनके आइडियाज अपने ही होते हैं, ये किसी से बोरो नहीं करते। दूसरी और तीसरी बल्कि बात जो है बड़ी इम्पोर्टेंट इनके हवाले से वो ये है कि वो जो सोसाइटी के आम जो तरीक़ेकार हैं उनके मुताबिक ना ये काम करते हैं ना ही ये बातचीत करते हैं, बल्कि इनका अपना जो है वो अंदाज होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें राइटर ने बताई है इनके मतलब वो ये है कि ये जो सल्फाइड हैं ये कॉमन प्लेस लोग नहीं होते, आम नहीं आपको मिलते, ये आपको अचानक, बहुत ही अचानक और गैर मुतवक्को तौर पे कभी कभार ही मिलते हैं। और इनका एक और जो कमाल है वो क्या है, दे डू ऑर्डिनरी थिंग्स इन अनयूजुअल वेज, कि वो आम सी चीज़ों को गैर मामूली तरीके से करते हैं और गैर मामूली जो चीज़ें हैं उनको ऑर्डिनरी तरीके से कर देंगे, यानी हर वो चीज़ जो सेट पैटर्न है उसके ये अगेंस्ट ही चलते हैं और ये लोगों को हैरान करते हैं अपनी गुफ्तगू से और अपने कामों से। और लिटरेचर के हवाले से वो एग्जांपल देता है, जैसे अभी हमने ब्रोमाइड की बात करते हुए बात की है कि हेमलेट जो है शेक्सपियर का प्ले, उसका जो हीरो हेमलेट है ना, वो एक सल्फाइड है, क्योंकि वो खुद से सोचता है, खुद से अपने काम जो है उनका सलूशन ढूंढता है और जो पहले सेट पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करता। इसी तरह से जो बेकी शार्प है वैनिटी फेयर में, जो थैकरे का नावल है उसमें बेकी शार्प जो है वो सल्फाइड है, अपनी सोच है उसकी। इसी तरह से राइटर्स के हवाले से अगर देखा जाए तो वो कहता है कि बर्नर्ड शॉ और लेविस कैरल जो है वो भी सल्फाइड थे। और इसी तरह से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था विलियम मैकिनले, ये भी एक सल्फाइड था, क्योंकि वो अपनी सोच रखता था, अपने जो आइडियाज हैं वो देता था। और उसने एक बहुत बड़ी बात ये की है कि ये जितने भी जिन्हें हम क्रैंक कहते हैं, पागल लोग कहते हैं, या रिफॉर्मर हैं और जो आर्टिस्ट हैं चंदे, ये सारे ही सल्फाइड्स होते हैं, क्योंकि ये जो सोसाइटी का जो नॉर्म्स होते हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो ये करता है कि ये जितने भी पागलखाने हैं ये सारे ये सल्फाइड से ही भरे हुए हैं। और इंसान जो है अगर उन्होंने देखना हो कि सल्फाइड किधर है तो वो वहां पे जाके देखता। एक और चीज जो है वो हमें वो बताता है कि कुछ लोग जो हैं वो प्योर ना तो सल्फाइड होते हैं और ना ही वो प्योर ब्रोमाइड होते हैं। उनमें सल्फाइड वाली क्वालिटीज होती हैं और ब्रोमाइड भी होते हैं वो, राइट। तो ऐसे जो लोग हैं उनको हम यूं कह सकते हैं कि दे आर ब्रोमाइड कम सल्फाइड। ये हाफ ब्रोमाइड होते हैं और हाफ जो हैं वो सल्फाइड होते हैं। हो सकता है वो अपनी थिंकिंग में सल्फाइड हो, लेकिन अपने जो काम हैं या अपने जो एक्शन हैं उनके उनमें वो ब्रोमाइड हो। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो एक ही कैरेक्टर में कंबाइन होती हैं। जैसे कि वो कहता है कि डॉक्टर जॉनसन और लेविस कैरल जो हैं ये इसकी टिपिकल एग्जाम्पल हैं। इनमें ये सल्फाइड भी और ब्रोमाइड दोनों ही चीज़ें थी। ये किस तरह से था कि डॉक्टर जॉनसन जो है, जो कि बड़े मशहूर क्रिटिक भी हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी में सल्फाइड थे, लेकिन अपनी राइटिंग में वो ब्रोमाइड थे। इसी तरह से जो लुइस कैरल है वो भी एक मशहूर इंग्लिश राइटर है, तो वो अपने पर्सनैलिटी में ब्रोमाइड है, राइट, बिल्कुल डॉक्टर जॉनसन के ऑपोजिट, लेकिन अपने राइटिंग में वो सल्फाइड है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय।